इसे कहते हैं भैया स्वागत करना। बकायदा भैया माला एक से बढ़कर एक पहनाए जा रहे थे। गेंदे की भाई साहब अनेक मालाएं थी। ये दृश्य भाई साहब रामनगर क्षेत्र का है, जहाँ पर नामांकन भरने के लिए ललित कुमार वर्मा के सुपुत्र पहुंचे थे। तो बकायदा भाई साहब समर्थकों ने माला पहनाना शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी भी की गई और नामांकन भी कराया गया। अब भैया आपको प्रमोद कुमार नन्ना जी से मिलाते हैं। बकायदा भाई साहब तहसील सुरौली गोसपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे वैसे नहीं भैया, सपा पूरा जोर लगा है। साथ में भाई साहब भानु गुट के किसान नेता बबलू रावत भी मैदान में कूद गए। पता किया तो भाई साहब पता चला कि भतीजे हैं नन्ना रावत के, तो भैया आज नामांकन कराने के लिए चले आए थे। बकायदा भाई साहब चाचा भतीजा साथ में थे और दोनों लोगों के भाई साहब भावकारी तेवर थे। वैसे भैया नामांकन करा दिया, वोट की अपील भी कर रहे हैं। अब भैया आपको जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साथ ही अमेठी जनपद लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र तिवारी ने एक वीडियो बनाई थी। जी आपको याद भी होगी, मैडम जी दौड़ लगा चुकी थी, उसी के संबंध में सीएमओ साहब ने जानकारी दी। बताइए सर क्या मामला है, हम पूरी जानकारी देते हैं। वैसे भैया उस दिन तो दिए नहीं, लेकिन आज पकड़ लिए तो बकायदा हमारे संवाददाता को पूरी जानकारी देने लगे। अस्पताल का मामला है जहाँ पे फर्जी तरीके से इलाज करते हुए डॉक्टर और कुछ कर्मचारी अस्पताल के दिखाई दे रहे हैं और वीडियो फोटो बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या कहना है? अभी आप लोगों के माध्यम से वो मुझे वीडियो देखने का मौका मिला, मेरे पास उसी विस्तृत जानकारी नहीं। मैं अभी तत्काल आप उनसे वार्ता के बाद जो है चिकित्सा अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगता हूँ, और अगर ऐसा है कि ये गंभीर प्रकरण है इस पर जाँच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। प्रथम दृष्टया वीडियो देखने के बाद क्या लग रहा है सर? अब वीडियो देखने के बाद जो आप लोगों ने वीडियो दिखाया उसमें यह है कि केवल जो है वो क्लिप लगा करके फोटो खींच रहे हैं, लेकिन क्या मरीज़ है क्या है ये जांच का विषय है, जांच के पश्चात ही इसको कुछ स्टेटमेंट दिया जा सकता है।